रघुवंश प्रसाद सिंह एक आरजेडी के कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि एक स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रघुवंश प्रसाद सिंह को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? उन्होंने एम्स से एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से वो लगातार 32 वर्षों तक लालू यादव के पीछे खड़े रहे थे, लेकिन अब नहीं। उन्होंने साथ में माफ़ी भी मांगी है जनता से, आम जनता से और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसकी कहानी थोड़ी पीछे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जगदानंद को बिठाया गया था। उसी समय से रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे और उनका आरोप था कि जगदानंद के बनने के बाद से आरजेडी का वो तेवर अब नहीं रहेगा जिस तेवर के लिए आरजेडी जाना जाता रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लिखित पत्र भी लिखा। लालू यादव ने बीच में मान मनोबल की कोशिश की, दोनों के बीच में बैठकें भी हुई, बात तो थोड़ी बहुत बनी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उसके बाद से ही प्रदेश कार्यालय जाना उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करते थे तो अपने घर जो कौटिल्य नगर में है वहीं से करते थे। इसी बीच में एक खबर आई कि रामा सिंह जो वैशाली के पूर्व सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, वो आरजेडी में आ रहे हैं। इससे वो काफ़ी नाराज़ हो गए, दुखी भी हुए और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद फिर से मनाने की तैयारी की गई, कोशिशें की गई, लालू यादव लगातार उनसे फ़ोन पर संपर्क करते रहे। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी एम्स में जाकर के उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि वो पार्टी न छोड़े। इस बीच में बातें बदलती गईं, रामा सिंह का भी बयान आ गया कि वो पार्टी में शामिल होंगे, उनकी बात लालू यादव से हो गई है। जाहिर है कि ये मसला, यानी कि एक तरफ जगदानंद का प्रदेश अध्यक्ष बनना और दूसरी तरफ रामा सिंह का पार्टी के अंदर आना, ये दोनों चीज़ें उन्हें भा नहीं रही थी। वो काफ़ी इससे दुखी भी थे और नाराज़ भी थे। इसी बीच में उन्हें कोरोना हो गया, पटना एम्स में भी भर्ती हुए, कोरोना से ठीक भी हो गए। उसके बाद फिर वो एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। अभी एम्स से उन्होंने हाथ से चिट्ठी लिखी इस्तीफे की कि अब बस, अब वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर ये फैसला उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन दूसरा है कि लालू यादव के साथ उनका 32 सालों से पुराना संबंध रहा है और इस वजह से वो इसे पार्टी को छोड़ने से पहले काफ़ी सोच विचार विमर्श उन्होंने किया, लेकिन अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि पार्टी में उनका रहना अब ठीक नहीं है। ये झटका है तेजस्वी यादव के लिए, ठीक उस वक्त जब बिहार में चुनाव होने हैं। अब से 2 महीने के अंदर में चुनाव हो जाएंगे, तेजस्वी यादव पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी है, तो ऐसे में एक तरफ वो उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह जितने बड़े नेता जिनका कि पूरे बिहार में ही नहीं देश में भी प्रभाव है, एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो उनका पार्टी से निकलना क्या वाकई उन्हें नुकसान दे सकता है? क्योंकि लालू यादव के साथ उनके जो संबंध रहे हैं और उन्हें संकट मोचक के रूप में देखा जाता रहा है। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, ये पुराना किस्सा है। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन रही थी तो उसके पहले की बात है, चारा घोटाला में लालू यादव फंस चुके थे और लालू यादव के जेल जाने की नौबत आ गई थी, जेल जाना उनका तय था। ऐसे में ये बातें चल रही थी कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, बहुत सारे उम्मीदवार उनमें से थे, लेकिन उन उम्मीदवारों को बनाने के पक्ष में बहुत नेता नहीं थे। बीच का कैसे एक उपाय निकाला जाए, और ये वो थे शख्स रघुवंश प्रसाद सिंह जिन्होंने ये बातें सामने की कि क्यों ना राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पहले तो लालू यादव असहज दिखे, उन्हें लगा ये क्या हो गया, ऐसे में कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अचानक किसी को, उसमें भी पत्नी को। पर इस बात पर उन्होंने पार्टी के अंदर में रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक मत कायम करने की कोशिश की। दिल्ली से लेकर पटना तक सारे नेताओं को संपर्क साधा गया और नेताओं से ये कहा गया कि ये जो शर्त है ये रखी जाए और ये जो भी कुछ तय किया जा रहा है इसे पार्टी के अंदर में सीधे उठाया जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी को पेश कर दिया जाए, ताकि पार्टी भी न टूटे, लालू यादव का भी मान रह जाए और सब कुछ एक साथ रहे। यही हुआ, संकट मोचक के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह गाहे बघाए उनके साथ खड़े रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह का जो अंदाज है, जो तेवर है, वो लालू यादव से मिलता जुलता रहा है। समाजवादी नेता के तौर पर वो रहे, वैशाली से सांसद बने, वहाँ केंद्र में मंत्री भी बने और मंत्री के तौर पर भी उनकी पहचान बनी। ये जो मनरेगा की बात कही जा रही है, मनरेगा जिस तरह से प्रस्ताव को पेश किया उन्होंने पार्लियामेंट में और उसके बाद ये बजट के रूप में आया पूरे देश में, ये कहा गया कि 2009 में जो जीत हुई थी यूपीए की, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि लालू यादव उस वक्त हार गए थे,
रघुवंश प्रसाद सिंह को मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ये वो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं जो लालू यादव के साथ कदम दर कदम, उनके मुसीबतों में भी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह का इस पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था। ऐसे में इसका प्रभाव तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन ये बात तय है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से जो पुराने नेता हैं जितने भी, जो जानते थे कि वो किसी भी कीमत पर लालू यादव को नहीं छोड़ सकते थे, ऐसे में उनका छोड़ना एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है जो निश्चित तौर पर आत्मघाती है आरजेडी के लिए। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।